क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ रहा हूँ। द लेंथ ऑफ अ रूम एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर। ओके, एक रेक्टेंगुलर रूम है, इसकी कुछ लेंथ है और कुछ ब्रेथ है, ठीक है। मैंने माना एक्स वाई रही होगी इसकी, तो यहाँ पर सबसे पहले ये लेट कर देना, लेट द लेंथ कितनी मान लेना एक्स मीटर और ब्रेथ कितनी मान लेना वाई मीटर, ठीक है। अच्छा, लेंथ हो गया और क्या हो गया, ब्रेथ हो गया वाई मीटर। अब एरिया अगर हम निकालें तो जो ओरिजिनल एरिया होगा वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ एक्स इंटू वाई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ते जाओ, क्या बोला हुआ है, बोलो बोलो, ठीक है। लेंथ जो है वो ब्रेथ से ज्यादा है, कितनी, 3 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, ठीक। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, वो एक, ठीक है, लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाए कितने मीटर, 3, और ब्रेथ को डिक्रीज कर दिया जाए कितना, 2 मीटर। अगर लेंथ ये हो जाए, ब्रेथ ये आ जाए, तब भी वो ये कहता है कि एरिया रिमेन द सेम, जितना एरिया पहले था उतना ही अब रहेगा। पहले एरिया कितना था, एक्स वाई, अब भी एरिया उतना ही रहेगा। ये लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है, एरिया ही तो है। तो ये एरिया है एक्स वाई, एक्स का मल्टीप्लाई वाई में कराओ कितना आएगा, एक्स का मल्टीप्लाई 2 में कराओ 2x, फिर 3 का कराओ 3y, और माइनस में कितना 6, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 2x इधर लेकर आओगे तो प्लस का हो जाएगा, और एक 3y इधर लेकर आ जाओ और इक्वेशन में कितना, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपस में सॉल्व करोगे और आपके पास लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी। एक बार फिर से समझते हैं, ये हमारे पास कोई एक रेक्टेंगुलर रूम मान लो, इसकी लेंथ एक्स है, ब्रेथ वाई है, ओके। क्वेश्चन में उसने बोला है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 3 मोर है, ओके, एक्सीड है। फिर वो ये कह रहा है कि अगर लेंथ में 3 कम कर दो आप और ब्रेथ में 2 बढ़ा दो, तो जो एरिया पहले था वही एरिया अब रहेगा, लेंथ इन टू ब्रेथ, ये क्या है, एरिया, ये वही रहेगा जितना पहले था। तो ये दोनों आपस में इक्वल लिख दिए, फिर इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन ये बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो x की ये जो वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, y प्लस 3, इसको पुट कर दिया मैंने, कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई कराओ 2y प्लस 6 माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 6, 2y में से 3y गया कितना, माइनस का y उधर जाएगा तो कैसा, प्लस का y, ये माइनस का 6 इस 6 के साथ प्लस होगा तो कितना, 12। इतना मीटर लेंथ रही, ब्रेथ रही होगी, ठीक है। ये y की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट, तो x इक्वल्स टू y की जगह 12, कितना आ जाएगा, 15, इतना मीटर लेंथ रही होगी। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, कर पाएंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 38, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूज बाय 8 मीटर स्क्वायर व्हेन द लेंथ इज रिड्यूज बाय 5 मीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3। अगेन हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें मुझे एक रेक्टेंगल के एरिया की बात करनी है, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया। तो ये लेंथ इसमें ले लेता हूँ मैं एक्स और ब्रेथ ले लेता हूँ वाई, तो जो एरिया आएगा ओरिजिनल वो कितना रहा होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ,
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सुनना ध्यान से, वो ये कह रहा है कि अगर आप लेंथ को रिड्यूस कर दो 5, लेंथ में कितना कम कर दो 5, और ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दो बाय 3, ठीक है। तो अब एरिया कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो वो ये कह रहा है कि जो आपका एरिया है, जो पहले एरिया था, वो कम हो जाएगा कितने मीटर स्क्वायर, 8 मीटर स्क्वायर कम हो जाएगा, ठीक है। पहले एरिया कितना था एक्स वाई, अब वो ये कह रहा है कि अगर आप लेंथ में 5 कम कर देंगे और ब्रेड्थ में 3 बढ़ा देंगे, तो अब जो नया एरिया आएगा वो पुराने वाले एरिया से कितना कम होगा, 8 कम होगा, 8 मीटर स्क्वायर कम होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, एक्स वाई माइनस 8, इसका मल्टीप्लाई कराओ, एक्स वाई प्लस 3x, एक्स का करा दिया, अब 5 का कराओ, माइनस का 5y, माइनस का 15, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, क्या बचेगा 3x माइनस 5y, और ये 15 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा इधर 7, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से चलो, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब फिर से चलोगे तो वो कह रहा है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 मीटर एंड ब्रेथ बाय 2 मीटर, अगर आप लेंथ में कितना 3 और ब्रेथ में कितना 2, अगर आप इस तरह से दोनों में इंक्रीज कर दें तो द एरिया रिमेन द सेम, यही है ना, नो, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 एंड ब्रेथ बाय 2 द एरिया इंक्रीज बाय 74 मीटर पर 74 मीटर स्क्वायर, तो जो पहले जो एरिया था उसमें ऐड हो जाएगा कितना 74 मीटर स्क्वायर, ये बात आ गई समझ में, लेंथ में कितना बढ़ा दें 3 मीटर और ब्रेथ में 2 मीटर, तो जो पहले एरिया था अब उससे कितना बढ़ जाएगा 74 मीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा, ओके। नाउ एक्स वाई प्लस 74, एक्स का वाई से मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा एक्स वाई, एक्स का 2 से कराओ 2x, 3 का वाई से कराओ 3y, और 3 का 2 से कराओ 6, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो देखो क्या बचेगा 2x प्लस 3y, 6 इसमें से लाकर माइनस करो कितना आएगा बोलो 68, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करोगे कौन से मेथड से, एलिमिनेशन लगा लेना, एलिमिनेशन भी ठीक है, आया ना, एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व करोगे, इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से कराओगे तो ये वाई वाले कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, या एक्स का कराना चाहते हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो एक्स के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, ओके। तो इस तरह से जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगी और ये हो जाएगा 39 नंबर। इसी तरह का बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, क्या बोला हुआ है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय, तो अगेन वैसा ही सेम क्वेश्चन आया है, तो आप बड़े आसानी समझ जाओगे कि एक रेक्टेंगल है जिसकी कुछ लेंथ है और कुछ ब्रेड्थ है, मैंने माना कि लेंथ एक्स मीटर है और ब्रेड्थ वाई मीटर है, ठीक है, तो इससे जो ओरिजिनल एरिया बन के तैयार होगा वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ बनेगा, यानी एक्स इंटू वाई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलता जाऊंगा और जो जो वो बोलेगा वैसा लिखता जाऊंगा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस बाय 67, जो आपका एरिया है वो कम हो जाएगा कितना, कब, जब लेंथ को इंक्रीज करोगे कितना 3 और ब्रेड्थ को डिक्रीज करोगे कितना 4, बिल्कुल सिंपल सी है लैंग्वेज, वही है, देखो एरिया डिक्रीज बाय 67 मीटर स्क्वायर, कब, जब लेंथ इंक्रीज करोगे 3 और ब्रेड्थ डिक्रीज करोगे 4, ठीक है। अब बच्चों इसको आप सॉल्व कर लो, एक्स का मल्टीप्लाई वाई से कराओ एक्स वाई, एक्स का मल्टीप्लाई कराओ 4x, ठीक है, 3 का कराओ 3y, और माइनस में कितना 12, ये आ जाएगा, अच्छा एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 4x इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का, 3y इधर आएगा तो माइनस, 4x इधर आया प्लस का, 3y इधर आया माइनस का, और 67 उधर जाएगा तो
प्लस का। अब 67 में से 12 माइनस करो, 7 माइनस 2 5 और 6 माइनस 1 5 55 बचा। ठीक है, ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल लो, क्या बोला है, इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 1 मीटर, अगर आप लेंथ में 1 कम कर दोगे और ब्रेथ को इंक्रीज कर दोगे कितना बाय 4, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 4 मीटर, द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 89 स्क्वायर मीटर, तो जो आपका एरिया है वो बढ़ जाएगा कितना 89 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ओके, अगेन फिर से हमारे पास, यस करेक्ट, यहां पर क्या लिखना चाहिए मुझे, y प्लस 4। अच्छा, अब मल्टीप्लाई कराइए, कितना आएगा एक्स वाई प्लस 4x, माइनस 1 का कराइए, माइनस वाई माइनस 4 जी। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखना आ रहा है, क्या कह रहा है, लेंथ में 1 कम कर दो और ब्रेथ में 4 बढ़ा दो तो जो एरिया है वो 89 बढ़ जाएगा। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 4x ऐसे ही ठीक है, y ऐसे ही ठीक है, ये 4 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 93। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करोगे, 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा बड़े आसानी से और आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा, x पता चल जाएगा, y पता चल जाएगा। ठीक है, तीनों क्वेश्चन आपने देखे, अगर आप ध्यान से देखो तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिखने में लिखते हैं, बस केवल लैंग्वेज चेंज कर दी, किसी में 3 बढ़ा दिया, 2 कम कर दिया, दूसरे में कुछ और कर दिया होगा, 5 कम कर दिया, 3 बढ़ा दिया, बस इतना सा ही होता जा रहा है, क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहा है और डिजिट में थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है बस, और कुछ भी नया नहीं है। तो ये इस तरह से आप 40 नंबर कर लोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट, अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर एंड द रिजर्वेशन चार्ज इज द सेम ऑन द हाफ टिकट एज ऑन फुल टिकट। ठीक है, समझ गए, ऑन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली रुपीज इतना, वाइल वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट कॉस्ट इतना, वॉट इज द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर एंड वॉट इज द रिजर्वेशन चार्ज। दो तरह की चीजें हैं बच्चों, एक तो रिजर्वेशन चार्ज है, लेट द कौन सा चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज। मैंने माना कि जब भी मैं टिकट कराऊंगा तो रिजर्वेशन चार्ज तो लगेगा कितना, रुपीज एक्स, और जो फर्स्ट क्लास की जो टिकट है, फर्स्ट क्लास की जो टिकट है उसके लिए मैंने माना कि एक टिकट का, फुल टिकट का, फर्स्ट क्लास की फुल टिकट का जो चार्ज है वो कितना है, वाई। ठीक है बच्चों, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो ये कह रहा है कि अगर आप हाफ टिकट लोगे, मान लो किसी बच्चे का टिकट ले रहे हो आप और हाफ टिकट लोगे तो फर्स्ट क्लास की जितनी फुल टिकट आती है उसका हाफ ही लगेगा, मतलब वाई आती है, मान लो एडल्ट की वाई आती है तो बच्चे की कितने की आएगी, वाई अपॉन 2। क्लियर है बात, लेकिन वो कह रहा है रिजर्वेशन चार्ज में कोई डिस्काउंट नहीं, रिजर्वेशन चार्ज उतना ही लगेगा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो वो एक्स रुपीज ही रहेगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो क्या हुआ, क्या खरीदा हमने, वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई से दिल्ली। ठीक है, अब मैंने एक टिकट खरीदी फर्स्ट क्लास की फुल टिकट, तो मुझे क्या क्या लगा होगा, एक तो रिजर्वेशन चार्ज और एक टिकट की कॉस्ट कितनी, वाई, ये दोनों मिलाकर जो मुझे टोटल देना पड़ा वो कितना, 4150 इतना रुपीज। पहले केस में मैंने सिर्फ एक टिकट खरीदी फुल, तो उसके साथ रिजर्वेशन चार्ज तो लगेगा ही, दोनों मिलाकर मैंने इतना दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से चलो, अब वो ये कह रहा है वाइल वन फुल एंड वन हाफ, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक फुल टिकट खरीद रहा हूं और एक हाफ टिकट खरीद रहा हूं,
तो देखो जब मैं एक फुल टिकट खरीदूंगा तो उसके साथ उसका रिजर्वेशन चार्ज लगेगा, जब मैं एक हाफ टिकट खरीदूंगा तो उसका क्या लगेगा, रिजर्वेशन चार्ज, और ये सब मिलाकर मैं कितना दूंगा, 6255 ऐसे, ठीक है। इसको बच्चों थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, 2x प्लस 2y और y मतलब 3y अपॉन 2 हो जाएगा ये बेसिकली, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। टू को एलसीएम लेके उधर मल्टीप्लाई करा दो, वो भी कर सकते हो, या मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दो, कुछ मत करो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा कर सीधा सॉल्व कर दो। इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करा दो, 2 से, तो 2x वाला टर्म तो वैसे ही कट जाएगा, एलिमिनेशन करना नहीं, और कुछ मत करो इसमें, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन का केवल इक्वेशन बनाना समझ लो बस, सिर्फ फुल टिकट एक ली तो फुल टिकट के पैसे लगेंगे और रिजर्वेशन के लगेंगे, टोटल इतने। अब हमने दोबारा में क्या किया, एक फुल टिकट ली उसके साथ उसका रिजर्वेशन चार्ज, एक हाफ टिकट ली उसके साथ उसका रिजर्वेशन चार्ज, मिलाकर इतने रुपीज, एक्स और एक्स मिलकर 2x और 2 1 2 ये कितना हो गया, 2y और y मिलकर कितना, 3y/2, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड लगाओ और x और y की वैल्यू निकाल लो। यहां से बच्चों आपके एज वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, ठीक है, और एज वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलता जाए। पहले तो ये देख लो, देखो एज वाले क्वेश्चन की बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही होगी, किस किस की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 42 में, 5 years हैंस अ मेंस एज विल 3 times एज ऑफ हिज सन, तो दो लोगों की बात हो रही है, एक तो मैन है कोई और एक उसका सन, तो मैं दो लोगों की एज मान लेता हूँ प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन, किसकी, मैन की, कितनी, एक्स ईयर, मैंने माना इतना ईयर रही होगी मैन की प्रेजेंट एज, और प्रेजेंट एज मैं मान लेता हूँ किसकी, सन की, कितनी, वाई ईयर्स रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते जाओ और बड़े आसानी से इक्वेशन बनेगी, कैसे, देखो 5 years हैंस, 5 years हैंस, अब से 5 साल बाद, तो जब भी 5 years हैंस लिखे तो आप चाहो तो आफ्टर 5 years लिख सकते हो, ठीक है, आफ्टर 5 years, बताओ मैन की एज कितनी होगी, एक्स प्लस अब से 5 साल बाद, और जो सन की एज होगी वो वाई प्लस 5 हो चुकी होगी, दोनों की एज में 5 5 years ऐड हो गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या बोला उसने, 5 years हैंस अ मैन एज विल बी 3 times, अब से 5 साल बाद जो मैन की एज होगी वो अपने सन की एज के कितने टाइम होगी, 3 times, ओके, एक्स प्लस 5 ऐसे ही, ठीक है, 3y+15, 3y इधर लाइए, एक्स माइनस 3y=10, आराम से बन गई इक्वेशन। अब इसके बाद बच्चों फिर से चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला है, 5 years ago, 5 years ago 5 साल पहले, कब से 5 साल पहले, प्रेजेंट से, ठीक है, प्रेजेंट अभी एज मैन की कितनी है, एक्स, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, एक्स माइनस 5, सन की अभी प्रेजेंट एज है वाई, तो 5 years ago कितनी रही होगी, वाई माइनस 5। अब वो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 years ago द मैन वॉज 7 times एज ओल्ड एज इज सन, तो मैन की जो एज थी 5 years ago वो उसके सन की एज के 7 times थी, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 7 by इधर लाइए और ये 5 उधर ले जाइए, कितना, दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है, ये बन गया। इसके बाद एलिमिनेशन मेथड लगाइए, इजीली कर पाओगे इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। x माइनस थ्री वाई इक्वल टू टेन है, और क्या है x माइनस सेवन वाई इक्वल टू कितना है माइनस थर्टी। साइन चेंज करो, कैंसिल, कितना माइनस फोर वाई माइनस फोर्टी। तो y की वैल्यू कितनी, यानी सन की एज 10 ईयर रही होगी प्रेजेंट एज, तो फादर की कितनी रही होगी। ये y की वैल्यू उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, x माइनस थ्री इंटू टेन इक्वल टू टेन, ये उधर ले जाकर प्लस करा दो 30, तो 40 ईयर फादर की प्रेजेंट एज रही होगी। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड तो आपको अच्छे से आता ही है, आपको जो मेन चीज़ सीखनी है वो ये इक्वेशन बनाना। और इक्वेशन बनाना बिल्कुल आसान है, पहले उसने बोला आफ्टर फाइव ईयर, तो मैंने दोनों की एज में फाइव फाइव ऐड कर दिया। उसने बोला आफ्टर फाइव ईयर फादर की एज थ्री टाइम्स होगी सन की एज के, ठीक है, उसको सॉल्व कर दिया। बिफोर फाइव ईयर था तो फाइव फाइव ईयर कम कर दिया प्रेजेंट एज में से। उसने बोला जो बिफोर फाइव ईयर फादर की एज सेवन टाइम थी किससे, सन की एज से, तो इसको सॉल्व करके इक्वेशन आई, उनको सॉल्व कर दिया। तो बड़े आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन किए जा सकते हैं जो एज वाले क्वेश्चन हैं। इसी में एक और क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 43। थ्री ईयर अगो अ मैन वॉज फाइव टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो बिल्कुल सिमिलर ही क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, तो फिर से वही करना है। लेट कर लो प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट, लेट द मेंस प्रेजेंट एज बी कितना ईयर, एक्स ईयर्स, अब उसके सन की प्रेजेंट एज ले लो कितने ईयर, वाई ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते जाओ। हाँ बच्चों बताओ, टू ईयर अगो, टू ईयर अगो मैन बताओ क्या रहा होगा, मैन की एज में से टू कम कर दो, एक्स माइनस टू ईयर का रहा होगा, सन की एज में से भी टू कम कर दो, वाई माइनस टू रहा होगा। ठीक है, ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, क्या बोला बोलो, अ मैन वॉज फाइव टाइम्स एज ओल्ड एज इज सन। तो मैन की जो एज है वो कितने टाइम है, फाइव टाइम सन की एज से। इसमें कोई प्रॉब्लम आई बनाने में, आसान है ये तो। अब x माइनस टू है सही, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, फाइव बाई माइनस टेन, फाइव बाई इधर लेकर आ जाइए, टू इधर लेकर जाइए, कितना माइनस एट। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से चलो, क्या बोला है, टू ईयर लेटर यानी कि आफ्टर टू ईयर, पहले तो आफ्टर टू ईयर की बातें करो। आफ्टर टू ईयर जो मैन की एज है वो कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस टू। सन की जो एज है प्रेजेंट एज से वो कितनी हो जाएगी, वाई प्लस टू। अब देखते हैं क्या बोला, टू ईयर लेटर हिज एज विल बी एट मोर देन थ्राइस टाइम द एज ऑफ हिज सन। मैन की जो एज है, मैन की जो एज है वो उसकी सन की एज के थ्री टाइम्स है ज्यादा होगी, कितनी, एट। मैन की जो एज है उस सन की एज के थ्राइस से एट मोर है, ऐसा बोला है, समझ आ गई बात। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, तो एक्स प्लस टू ऐसे ही, ठीक है, थ्री का मल्टीप्लाई कराओ, थ्री वाई प्लस सिक्स, एक्स माइनस थ्री वाई, और दिस इज व्हाट, फोर्टीन प्लस टू, फोर्टीन माइनस टू सॉरी ट्वेल्व, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है,
आसान सा ही क्वेश्चन था। अगर दोनों इक्वेशन को देखें तो 2 साल पहले जो मैन की एज है वो 5 टाइम होगी सन की एज के। इसमें क्या बोला, मैन की एज आफ्टर 2 ईयर मैन की एज सन की एज के 3x से 8x होगी। बस इतना सा तो है, उसके बाद तो इक्वेशन बन जाएंगी। एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सबसे बेस्ट है, उससे आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया 43 नंबर, इसको कर पाओगे? यस और नो बोलो। लेट द फादर एज, फादर प्रेजेंट एज ही, मतलब जब भी लेट करेंगे तो कौन सी एज, प्रेजेंट एज ही है ये, ठीक है। कितनी मान ली, एक्स ईयर, और सन की प्रेजेंट एज मैंने मानी वाई ईयर्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, बताओ पढ़ के क्या होना चाहिए। तो वो कह रहा है द इफ ट्वाइस द सन एज, सन की एज कितनी है बोलो, वाई, उसका ट्वाइस कर दूं मैं, ऐड कर दूं फिर किससे, फादर की एज में, तो फिर सम जो आएगा वो कितना, 70। ये तो बहुत आसान था, सन की एज के ट्वाइस में मैं ऐड कर दूं फादर की एज तो 70 आएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है इफ ट्वाइस द फादर एज, फादर की जो एज है कितनी है एक्स, उसमें ट्वाइस कर दूं और उसको ऐड कर दूं सन की एज से तो वो 95 हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन निकला, ठीक है ना। फादर की एज के ट्वाइस में सन की एज ऐड करोगे तो 95, सन की एज के में ट्वाइस में अगर फादर की एज ऐड कर दोगे तो 70। ये दो इक्वेशन बन जाएंगी जिनको एलिमिनेशन मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 44 कर पाओगे। और इसके बाद मैं एक लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 45। द प्रेजेंट एज ऑफ अ वूमेन इज 3 ईयर मोर देन 3 टाइम द एज ऑफ अर डॉटर। इसमें दो लोगों की बात हो रही है, लेट द वूमेन एज कितनी, एक्स, प्रेजेंट एज ही है, ठीक है, एक्स ईयर्स, और डॉटर की एज मैंने माना प्रेजेंट में अभी कितनी है, वाई ईयर्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बोलो, प्रेजेंट एज ऑफ वूमन इज 3 ईयर मोर देन 3 टाइम द एज ऑफ हर डॉटर। जो वूमन की एज है, ध्यान से सुनो, वो डॉटर की एज के 3 टाइम से ज्यादा है, कितनी बोलो, 3 ईयर मोर है, 3 ईयर मोर है 3 टाइम से। फिर से क्या है, ये किसकी एज है, वूमन की एज, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ हर डॉटर से कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है, समझ गए। यहां से 3y इधर लेकर आ जाइए, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब फिर क्या बोला, 3 ईयर हेंस, अब से 3 साल बाद, ठीक है, यानी आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर जो वुमेन की एज होगी वो कितनी होगी बच्चों, प्रेजेंट एज में 3 ऐड कर दो, और जो डॉटर की एज होगी वो कितनी होगी, वाई प्लस 3, ठीक है। नाउ क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, 3 ईयर हेंस वुमेन एज विल बी 10 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर। सुनो, वुमन की एज अभी कितनी होगी आफ्टर 3 ईयर, वो उसकी डॉटर की एज के कितने से, ट्वाइस से ज्यादा होगी, कितनी, 10 ईयर। वुमेन की एज उसकी डॉटर की एज के 2 टाइम्स से ज्यादा होगी, 10 ईयर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्स प्लस 3 ऐसे ही, ठीक है, और ये कितना, 2y + 6 + 10, ठीक है। यहाँ से बच्चों x - 2y + 13, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, क्या बनना चाहिए,
एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू थ्री और एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू कितना 30 माइनस प्लस माइनस कैंसिल वाई और इधर कितना 10। तो जो डॉटर की एज है बच्चों वो 10 ईयर है प्रेजेंट में और मदर की एज निकालने के लिए आप ये वैल्यू फर्स्ट में रख दो चाहो तो फ्रॉम फर्स्ट x माइनस थ्री इंटू वाई की वैल्यू 10 इक्वल टू 3 ये उधर ले जाओ कितना 33 ठीक है। ये आपके पास मदर की एज निकल कर आ जाएगी ओके। तो बस स्टेटमेंट को बस ध्यान से पढ़ते जाना है। वूमेन की एज उसकी डॉटर की एज के 3 टाइम्स से 3 ईयर मोर है। आफ्टर 3 ईयर वूमेन की एज डॉटर की एज के ट्वाइस से 10 मोर है। बस दोनों इक्वेशन बन जाएंगी आप बड़े आसानी से कर पाओगे। तो ये बच्चों आपके एज वाले क्वेश्चन भी हो गए।